भुवनेश्वर कारगिल बस्ती को जोठी सदस्यता अभियान जारी रही अभिभाषण रखुचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अन्य पक्षरे विंडोरे आपण देखुचंती बाम पार्श्वरे आम देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर में पहुंची अभिभाषण रखुचंती दुईट चित्र सीधासलख अर्ग स्क्रीन मध्यम आप देखिपी गोटे कारगिल बस्ती गोटे जम्मू काश्मीर उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले, बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है, धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा।
और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था, लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणवा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।